हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें एक और नई रिएक्शन को पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। देखें, एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग को दो तीन बातें बहुत ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली बात होगी कि ऐसा कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उससे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। दो या दो से अधिक, दो चाहिए मिनिमम, हमको मिनिमम दो, टू कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में भी दो रिएक्शन होती है, एक नॉर्मल होती है एल्डोल और एक होती है क्रॉस एल्डोल। तो एल्डोल कंडेंसेशन में सेम कंपाउंड लेंगे, दोनों जो कंपाउंड लिया जाएगा वो दोनों कंपाउंड सेम होना चाहिए। केरास में आप दोनों डिफरेंट ले सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या एक एसिटाल्डिहाइड एक अदर कोई एल्डिहाइड ले लें तो रिएक्शन हमको प्रोसीड हो जाती है। लेकिन जब हम लोग कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे तो हमको दो एल्डिहाइड या दो कीटोन सेम कार्बन का कोई भी लेना चाहिए, ठीक है ना। यहां हम लिख देंगे टू सेम कार्बन, दो सेम कार्बन का होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। और दूसरा पॉइंट, डाइल्यूट बेस से हम लोग डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो हम डाइल्यूट NaOH लेते हैं या हम लोग Na2CO3 ले सकते हैं, BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। तो हम लोग ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, हमको एल्डोल मिलता है। क्या मिलता है? एल्डोल मिलता है। या अगर हम लोग उसके आगे बात करें तो हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमको मिलता है। ये इतनी बात तो होती है, एल्डोल बनता है हाइड्रो, उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा हीट करते हैं और हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है। देखिए रिएक्शन देखिए, हम लोग आर सिल्वर बॉन्ड ओ एच, यहां पर हम लोग कर ले CH2 CH3 प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? NaOH डाइल्यूट, ये बहुत जरूरी है, डाइल्यूट की प्रेजेंस में करवाएंगे। उसके बाद ये बन जाता है, तो मिलता है ये CH3 COH H CH2 और CH2 हमको ये मिल जाता है। उसके बाद हम लोग इसको हीट थोड़ा सा करते हैं और हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, इसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोल। और इसको हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल बोलते हैं, या इसको हम लोग इनॉल भी बोलते हैं, इनॉल भी बोलते हैं। अब अभी बात करते हैं कि रिएक्शन बेसिकली कैसे हुई होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो हम लोग उससे पहले कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे यहां पे मैं इसको ऐसे लेता हूं, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसी बेस से करवाएं, डाइल्यूट बेस NaOH। अब बेस की प्रेजेंस में जो इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है, अब इससे लगा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेस की प्रेजेंस में यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एच पॉजिटिव के फॉर्म में ये निकल जाएगा। तो यहां पे बनेगा क्या? CH2 निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से जो हाइड्रोजन है वो एच पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया और यहां पर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आ गया। अब ये कैसा काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा। कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा। अब इसकी रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से, यानी उसी मॉलिक्यूल का एक और मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब इससे करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये ऐसे किसी कार्बन पे या किसी के सेंटर पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। अब यहां पे देखें, ये वाला बॉन्ड यहां पे जाएगा तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल निगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास जो है ये इस पे अटैक करेगा और हमको क्या मिलेगा? देखिए यहां पे, तो हमको मिल जाएगा, हमको ऐसे लिखते हैं CH3
उसके बाद C सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, उसके बाद यहां पे H था, इसके साथ किस लिए गिरते हैं। अब इस कार्बन से आगे क्या जुड़ा है, इस कार्बन से आगे CH2 जुड़ा है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां पे H है ना, ये हमको मिल गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहां से ये मिलेगा हमको एच पॉजिटिव के फॉर्म में, और ये जो ओ नेगेटिव है ये इस पे आके अटैक करेगा और हमको मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखें इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल का नाम कैसे पड़ा है, देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड से आया एल्ड और एल्कोहल का जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो ऑल इस्तेमाल करते हैं, तो यहां से मिल गया एल्डोल। क्या आ गया एल्डोल। अब इसको हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं इसको हम लोग हीट करते हैं। अब देखिए हीट करेंगे हमारे पास तो यहां से OH और यहां पे देखें ये हमारे पास अल्फा पोजिशन, ये बीटा, सॉरी ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से लगे दो कार्बन अल्फा कार्बन और ये हमारे पास बीटा कार्बन, यही है ना। अब देखो यहां से हमारे पास हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं यहां पे, तो यहां से ये H2O निकल जाएगा तो माइनस H2O और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 है ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल, क्या बोलते हैं इनॉल। इनॉल कैसे बोलते हैं, देखो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करते हैं इन, क्या इस्तेमाल करते हैं इन, तो यहां से आ जाएगा इन और हम लोग एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं अल, तो इसको बोलेंगे इनॉल या इनल। ये फॉर्मेशन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, एल्डिहाइड। तो ये हमको मिल गया क्योंकि यहां पर यह अल्फा है ये बीटा पोजिशन है। इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड के अंदर प्रोसीड होती है। नोट कर लें एक एक पॉइंट को, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन यानी एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिएक्शन है अगर हम लोग कीटोन के साथ करवाएंगे तब कैसे प्रोसीड होगी उसको। देखिए हुआ क्या है इसमें, सबसे पहले आप एक एल्डिहाइड का कोई मॉलिक्यूल लेंगे, अब उस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, कैसा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा किसी बेस की प्रेजेंस में वो अपने अंदर से H पॉजिटिव हल्का सा एसिडिक नेचर शो करेगा और H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा। H पॉजिटिव अब यहां से जो हाइड्रोजन है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन इस CH2 को देके और H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाता है। अब यहां से हमको मिल गया एक न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव चार्ज कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है, उस सेंटर पे अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब यहां पे देखिए दूसरा हम लोगों ने एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया और यहां पे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो वो इस पाई बॉन्ड को या पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट करेगा तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे डेल पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे क्रिएट हुआ तुरंत ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक कर देगा और जैसे ही मॉलिक्यूल लिखा है बस उसको एज सच वैसे यहां पे लिख दो, है ना। अब उसके बाद इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यानी इस पे यहां पे ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर क्या करेगा एच पॉजिटिव आयन देगा, एच पॉजिटिव आयन जो निकलेगा वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और उसके बाद एल्डोल का फॉर्मेशन रहेगा। एल्डोल कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है प्लस एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, दोनों को मिला के हम लोग उसको एल्डोल बोलते हैं। अब एल्डोल को थोड़ा सा हीट करेंगे तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन से हाइड्रोजन और उसके यानी जस्ट बाद यानी बीटा नंबर से OH निकालते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा इनॉल का। इनॉल से जो नाम आया है वो डबल बॉन्ड ई और एल्डिहाइड ग्रुप से आया है इनॉल। क्लियर है, नोट कर लें। अब हम लोग देखें कीटोन पर कैसे होगी एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन के लिए, यह बात याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन और डाइल्यूट बेस ये दोनों बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है।
अब देखिए कीटोन के लिए हमारे पास हम लोग एसीटोन लेते हैं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अच्छे खासे इसमें है, ये भी अल्फा पोजिशन है, ये भी अल्फा पोजिशन है ना। उसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन सबसे पहले डायल्यूट बेस से करवाए, NaOH ले लें। यहां पे अक्सर जो बुक होती है ना वो अक्सर इसको यहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलती है, तो आप कोई ले लें, कोई बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एल्डिहाइड की जो रिएक्शन होती है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं होती है। अब यहां पे देखें तो यहां पे इसके पास मैं कोई एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकालू, तो यहां पे दो कर दू, यहां पे हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, इसको जाएगा और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 निगेटिव चार्ज, उसके बाद कार्बन पे डबल बॉन्ड और यहां पे CH3 हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन इसी के यानी कि एसीटोन का एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, उससे करवाते हैं, ये वाला यहां पे जाएगा, इसे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव, और ये लेफ्ट न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर देगा। अब कैसा काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करेगा और यहां पे एक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे क्या बनेगा देखें, CH3 इसको रखें, फिर यहां पे इस कार्बन के साथ निगेटिव चार्ज, उसके बाद इस कार्बन के सेंटर से कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 को मैं नीचे लिख देता हूं, उसके बाद इस कार्बन से आके CH2 ग्रुप जुड़ा है, CH2 जोड़ दिया, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद CH3 हो गया। अब इसको हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, H पॉजिटिव OH निगेटिव, और ये H पॉजिटिव जाके यहां पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 OH CH3, उसके बाद यहां पे CH2 सी डबल बॉन्ड को CH3। अब इसको क्या बोलेंगे, वहां पे एल्डोल बोलते थे, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता था, एक एल्कोहलिक ग्रुप होता था, यहां पे कीटोल बोलेंगे या कीटोल, क्या बोलेंगे कीटोल, क्यों बोलेंगे कीटोल, क्योंकि यहां पे एक कीटोनिक ग्रुप है और एक एल्कोहलिक ग्रुप है, इसको कीटोल बोलेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, तो यहां पे देखिए हमारे पास इस हाइड्रोजन से ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, यहां पे अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, और यहां से हम लोग हाइड्रोजन यहां पे करते हैं तो ये इसके साथ निकल जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ओ CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो यहां पे हम लोगों ने जैसे बात किया था वहां पे था इनॉल, क्या था इनॉल। अब कीटोन के लिए तो हम लोग इनॉल का इस्तेमाल नहीं कर सकते है ना, क्योंकि वहां पे इन प्लस अल था। अब यहां पे क्या होगा बताएं, अब यहां पे बनेगा इनोन, इन प्लस ओन, क्या बनेगा इनोन बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो कीटोन होता है उसको हम लोग ओन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पे इन, इसको बोलेंगे इनोन, यहां पे ई नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इनोन बनेंगे। अब ये हमारे पास हो गई एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में हुआ क्या है, हुआ यहां पे है कि एक कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, न्यू सीसी बॉन्ड फॉर्म। दूसरा पॉइंट, यहां पे दूसरा पॉइंट क्या है, ये रिएक्शन जो होती है ना वो इररिवर्सिबल होती है, कैसी होती है इररिवर्सिबल होती है, ऐसा नहीं कि अब इसको हम लोग ऐसे पीछे से जाएंगे तो फिर हमको वापस हमको ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें नए नए दो कार्बन के कार्बन का नया न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देख लें आप यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इनोन बना है, कीटोल बना है, और हम लोग जैसे रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप चले थे वैसे ही रिएक्शन यहां पे भी बनी है। तो हम लोगों ने आज देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कैसे होती है, उसको हम लोगों ने अब देखिए, अगर इस रिएक्शन को आपको मैकेनिज्म नहीं आती है तो हम लोग उसको कैसे प्रोसीड करते हैं। देखिए जैसे मान लें कि हमारे पास ये एल्डोल कंडेंसेशन है, अब एल्डोल कंडेंसेशन में हमको याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अब अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगी, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो। अब देखिए जैसे मान लें कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, हम इसको ऐसे लिखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड H और यहां पर है ना,
दूसरा मॉलिक्यूल ले CH3 C डबल बॉन्ड को H, ऐसे लिख दिया दोनों मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया। अब इस रिएक्शन को हम लोग करें, देखें पूरी रिएक्शन में आप ध्यान देंगे तो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हुआ था, है ना। यहां से हम लोग ये निकाल दें, है ना, क्या करें यहां से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें माइनस H2O और बनेगा क्या हमारे पास, देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CHO, यही तो बना है, देखें CH3 CH CH CHO। अब कीटोन के लिए शॉर्ट ट्रिक देखें तो कीटोन के लिए क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड और यहां पर CH3, जिसका अल्फा हाइड्रोजन निकालना उसको थोड़ा सा इसे लटका देना चाहिए इधर। अब यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड CH3 CH3, अब देखो यहां से H2O निकाल दो और वापस हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, आप देख लें डायरेक्ट हमको यही प्रोडक्ट मिला, देख लें आप CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH3। तो ऐसे हम लोग चाहें तो इसको हम लोग ऐसे करें, कुछ नहीं करना है हमको, जो कार्बन पे जो जिसका कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, किसी एक कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन निकाल लें और एक का कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल निकाल लें, बाकी पूरे रिएक्शन को ऐसा जहां जहां से निकला है उसको डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ देते हैं और हमारे पास हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और सबसे बेहतर है कि आप समझ लें कैसे मैकेनिज्म के थ्रू इस रिएक्शन को हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई होगी, किसी भी पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बात को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।